अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर व सलामती के साथ रखे। आज मैं आपके पास बहुत ही रिफ़्रेशिंग और खूबसूरत सी डिश बनाने जा रही हूँ। मैं सैंडविचेस की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ, डिफरेंट सैंडविचेस कैसे बनाए जाते हैं। तो आप शुरू से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज़, तभी आपको समझ आएगी और क्या इसके टिप्स हैं और किस तरह से हमारे अच्छे और फ्रेश सैंडविचेस तैयार होते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, इसकी तैयारी करती हूँ मैं और आपको दिखाती हूँ कैसे सैंडविचेस तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने होल ग्रेन ब्रेड ले ली है और अब इसको मैं ऐसे सर्कल में कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने कटर की मदद से इन सबको कट कर लिया है और अब यहाँ मैंने लिया है क्रीम चीज़ और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट। और 1/2 टीस्पून ही इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, ये ब्लैक पेपर पाउडर मैंने ऐड कर दिया। और इसके साथ स्प्रिंग अनियंस का ग्रीन पार्ट। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। चाहें तो इसको इस तरह भी ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर बेकिंग पाइपिंग बैग है तो मैं इसको इसमें डाल के तो ऊपर अच्छे से इसकी मैरिनेशन कर दूंगी। तो यहाँ ये मेरे पास उबला हुआ चिकन है, इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालकर इसको बॉईल कर लिया और मैश कर लिया। अब मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी 4 टेबलस्पून मेयोनीज। और यहाँ एक मैंने खीरा ले लिया था, उसे मैंने बारीक गोल कट कर लिया है और ये मैं टमाटर को काट रही हूँ। आपने जो सैंडविचेस के लिए सब्जियाँ काटनी है, याद रखिए बहुत बारीक बारीक कट करनी है, अदरवाइज आपके सैंडविचेस सॉगी हो जाएंगे। तो
सो यहाँ मैंने सैंडविच ब्रेड ले ली है और अब मैं इसकी फिलिंग कर दूंगी। तो सबसे पहले इसमें ये खीरा जाएगा, फिर ये टमाटर की कतलियाँ रखूंगी मैं, और अब एक लेयर ये चिकन की। तमाम सैंडविचेस पे इवनली इस तरह से मैं स्प्रेड कर दूंगी चिकन को। चलें ये हमारा हो गया। और अब मैं इस पर थोड़ी थोड़ी मस्टर्ड सॉस लगा दूंगी, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा सैंडविचेस में। सैंडविचेस को जब भी आप बनाएं तो इन्हें हमेशा बनाने के बाद इस तरह से टाइटली रैप अप कर दें। और 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इसी तरह मैं इन्हें रैप कर लूँगी। और अगर आपके मेहमान आने हो तो आप 1 से 2 घंटा पहले भी इन्हें बना के रैप करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। चले अभी इन्हें मैं रेफ्रिजरेटर में रखूंगी और 15 मिनट के बाद मैं इन्हें कट कर लूंगी निकाल। और अब थर्ड टाइप ऑफ फिलिंग मैं हार्ड बॉयल एग के साथ बनाऊंगी। तो ये इस तरह से मैंने इसको बारीक कर लिया है ग्रेट करके। और अब मैं इसको एक बाउल में डाल के इसमें 2 टेबलस्पून मेयोनीज ऐड कर दूंगी और थोड़े से मेरे पास स्प्रिंग अनियंस का ग्रीन पार्ट है कट हुआ हुआ, उसको भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये मैं एक बाउल में इसको डाल रही हूँ। स्प्रिंग अनियंस थोड़े से मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और अब इसमें मेयोनीज जाएगी। ये 2 टेबलस्पून
तो यहाँ मैंने ब्रेड पे पहले सैलेड लीव्स लगाए हैं, उसके बाद मैंने जो अंडे का मिक्सचर बनाया था मेयो डाल के वो स्प्रेड कर दिया, उसके बाद टमेटोज काट के लगाए हैं, और मेरे पास एक एवोकाडो था उसको मैंने मैश करके उसमें हल्का सा लेमन स्क्वीज़ किया, हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया और फिर मैंने उसको स्प्रेड कर दिया है। तो इस इन सैंडविचेस की ये मेरी फिलिंग है और बहुत ही टेस्टी है ये भी। अब मैं इस पे थोड़ी सी हॉट सॉस स्प्रिंकल कर दूंगी। अब इन्हें भी मैं क्लिंग फिल्म में रैप करके टाइटली 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी, और उसके बाद हम अपने तमाम सैंडविचेस को निकाल के इनको साइड से भी इनके किनारे जो है रिमूव कर देंगे और इन्हें कट कर लेंगे डिफरेंट शेप्स में। चलिए इसी तरह मैंने इन सबको भी रैप कर लिया, अब मैं इन्हें रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। चलिए अब तकरीबन आधा घंटा हो गया है, तो मैं इनको कट करूंगी सैंडविचेस के किनारे निकाल के, और जिस तरह की शेप चाहिए होगी, बेशक आप ट्रायंगल में कट कर लें, बेशक पेंसिल शेप में कट कर लें। तो अब मेरे पास ये जो चीज़ें बच गई थी सैलड की, मैं इनको गार्निशिंग के लिए यूज़ करूंगी। ये सैंडविचेस मेरे सेट हो चुके हैं, अब मैं इनके किनारे रिमूव कर दूंगी। चलें ये देखिए इस तरह, और इसी तरह मैं सबके किनारे रिमूव कर लूंगी। तो चलें किनारे मैंने इन सबके रिमूव कर लिए हैं, अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि नाइफ आपकी कटिंग के लिए शार्प होनी चाहिए। मेरी नाइफ भी यहाँ पे इतनी शार्प नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से कटिंग हो जाए इनकी। इसी तरह मैं इनको कट कर लूंगी।
एक प्लेटर मेरा बन गया है, अब मैं एक और प्लेटर बना लूँगी क्योंकि मेरे पास सैंडविचेस ज़्यादा हैं। तो ये देखिए, इसमें मैं सैलड लीव्स का नीचे बेड बनाऊंगी पहले, इसके ऊपर फिर मैं एडजस्ट कर दूंगी सैंडविचेस इस तरह से। ये मेरे सैंडविच प्लेटर्स तैयार हैं। आप इन्हें हाई टी के लिए भी बना सकते हैं, अगर कोई टी पार्टी रखी हो घर में, कोई बर्थडेज हो, तो देखिए कितने अच्छे लगते हैं दिखने में भी, और दिल करता है खाने का, देख के दिल खुश होता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसे लगे, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।